brand new Redmi Note 8, इसको मैंने अभी Flipkart से मंगाया है, इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग देने वाला हूं, दूंगा मैं आपको अपने फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है ये स्मार्टफोन, सब कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं दोस्तों ये Redmi Note 8 के बारे में, कैसा है ये स्मार्टफोन, क्या आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, सब कुछ दोस्तों जान पाएंगे इस स्मार्टफोन का। अगर आपने मन बना लिया था Redmi Note 8 खरीदने का तो इस वीडियो में सारी की सारी इसकी जानकारी ले लीजिए। चलिए मैं बॉक्स को आपके सामने ओपन कर देता हूँ। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है, ओके दोस्तों ये है TPU केस, ये सारे के सारे मोबाइल में अब आता है, ये अच्छा भी है जिससे कि आपके मोबाइल की थोड़ी सी प्रोटेक्शन बनी रहती है। चलिए और देखते हैं बॉक्स में क्या है। ये है दोस्तों मोबाइल, अभी के लिए इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं आपको इसमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है USB Type-C पोर्ट, ये काफी ज्यादा कमाल की है जिससे आप अपने मोबाइल को जल्दी चार्ज कर पाएंगे, इसको भी साइड में रखते हैं दोस्तों। यहां पे आपको देखने को मिलता है चार्जर, और ये चार्जर मैं आपको बता दूं 18 वोल्ट का चार्जर दिया गया जिससे आप अपने मोबाइल को जल्दी चार्ज कर पाएंगे। दोस्तों ये है Redmi Note 8, यहाँ पे आपको Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, काफी ज्यादा अच्छी लगती है, और फ्रंट में भी आपको नीचे नॉच में Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं बैक में यहाँ पे आपको चार कैमरे का सेटअप देखने को मिल रहा है जिसका रियर सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, बैक में ही यहाँ पे आपको फिजिकल टच वाला फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोस्तों देखने को मिल जाता है। दोस्तों मैं फटाफट से इस मोबाइल को बूट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके दोस्तों तो मैंने कर लिया है मोबाइल को सेटअप, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले लग रही है, यहाँ पे आपको 6.3 इंच की वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और ये डिस्प्ले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन के साथ आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे आप नीचे देख पा रहेंगे USB Type-C का पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 3.5 का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिल जाता है, पावर बटन देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको सिम ट्री भी देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या ये सिम ट्री माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड में दी गई है या नहीं दी गई है, क्या ये ट्रिपल स्लॉट है या नहीं है। यस इट इज अ माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। जी हाँ फ्रेंड, आप इसमें दो सिम एक चिप लगा पाएंगे कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। ओके दोस्तों लगा लिया TPU केस, कैसा लग रहा है देखो दोस्तों, ये TPU केस इसमें व्हाइट कलर का इसीलिए दिया गया जिससे कि आपके कलर पे कोई भी डिफेक्ट ना आए, मतलब कलर जैसा एक्चुअल वाला है वैसा ही लगे, कलर तो आपको देख पा रहेंगे कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। चलिए दोस्तों अब दिखाते हैं मोबाइल की सेटिंग में जाकर के और बताते हैं आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सेटिंग में जाएंगे दोस्तों, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे अबाउट फोन में जाएंगे, अबाउट फोन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहेंगे डिवाइस मॉडल Redmi Note 8। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये जो मेरे पास मोबाइल है वो 6GB 128GB रैम वेरिएंट के साथ आता है, और यहाँ पे आपको माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, तो जरूरत पड़ने पर आप इसको एक्सपेंड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसके कैमरे के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसमें बैक में चार कैमरे देखने को मिल रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका रियर सेंसर दोस्तों देखने को मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है, अगर दूसरा कैमरा आपको देखने को मिल रहा है वो 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है जिससे आप अल्ट्रा वाइड फोटो ले पाएंगे, और तीसरा कैमरा आपको देखने को मिल रहा है 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है ये डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया गया, लास्ट कैमरा चौथा कैमरा आपको देखने को मिल रहा है वो 2 मेगापिक्सल का अगेन देखने को मिला है जो माइक्रो लेंस के लिए दिया गया है। तो दोस्तों कैमरे बैक के काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। ओके दोस्तों तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके बैक कैमरे, यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है रियर वाला। साथ ही दोस्तों बात करूं यहाँ पे काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल जाता है, नाइट मोड भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको स्लो मोशन का भी देखने को मिल जाता है, मतलब आप अपने इस मोबाइल से स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब अगर आप टिकटॉक के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो ये इस मोबाइल से आप बना पाएंगे, ये अच्छी बात है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको इसका फ्रंट कैमरा दिखाता हूँ, तो फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, इस तरीके से आप मेरे को देख पा रहे होंगे मैं यहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं एक पिक्चर क्लिक करता हूँ, दोस्तों पिक्चर भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की आई है, मैं यहाँ पे इसकी डिटेलिंग दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से कैसे, अगर आप ये जूम करते हैं तो जूम के साथ साथ दोस्तों ये पिक्चर बिल्कुल भी नहीं फट रही है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कितना भी आप पास कर लीजिए पिक्चर बिल्कुल भी नहीं फट रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसका फ्रंट कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का दिया गया, और बैक कैमरे तो आपको पता ही है। बात करें दोस्तों यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि विच इज़ अ वेरी गुड प्रोसेसर, इस प्राइस में आपके लिए अच्छा प्रोसेसर है, यहाँ पे आप जी कुछ भी करते हैं वो सारी चीजें आप कर पाएंगे। दोस्तों मैंने फिंगरप्रिंट्स का सेट कर लिया, मैं आपको दिखाता हूं इसका फिंगरप्रिंट सेंसर कैसा काम करता है। तो जैसे दोस्तों मैं यहां पे इस पे टैप करता हूं,
नहीं खुला दोस्तों, पहली बार में नहीं खुला, दूसरी बार में देखते हैं खुल गया दोस्तों। अगेन आपको दिखाता हूं मैं, खुल गया दोस्तों। फिंगरप्रिंट इसका काफ़ी ज़्यादा हैवी है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ काम कर रहा है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसको अलग किया हुआ है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ वैसे खुल जाता है। फिर से मैं पावर ऑफ करता हूँ, फिर से क्लिक किया, फिर से खुल गया। काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है दोस्तों इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक बात और, इसका मैंने आपको बताया था फ्रंट में आपको यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देखने को मिलती है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको बैक में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है। दोनों में ही आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है, मतलब आपका मोबाइल आगे से गिरे या पीछे से गिरे आपके टूटने के चांसेस कम रहेंगे। और हाँ दोस्तों बात करें इसकी बैटरी की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6.3 इंच की यहाँ पे आपको फुल एचडी प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने बैटरी बड़ी डाली, इसमें आपको 4000 एमएच की बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया 18 वॉट का यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिल रहा है, और यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिल रहा है, जिससे आप अपने मोबाइल को बहुत जल्दी चार्ज कर पाएंगे। तो बैटरी में भी दोस्तों बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं किया है। इसकी प्राइस की बात करें तो मेरे पास 6GB 128GB जो मेरे को पड़ेगा भी करीबन 13,000 रुपए का। बाकी आप इसका बेस वेरियंट ले सकते हैं 4GB 64GB, वो आपको 10,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको इस मोबाइल का लिंक दे दूंगा, अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद आया तो वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। कैसी लगी दोस्तों आपको ये मेरी फर्स्ट अनबॉक्सिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ दोस्तों मैं मिलूंगा फिर और नई इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए गुड बाय।